बच्चों, आज हम पाठ एक का प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास करेंगे। मौखिक से पहला प्रश्न। प्रश्न है, प्रातःकाल पक्षी क्या गाता है? प्रातःकाल पक्षी सुखमय जगजीवन का गीत गाता है। दूसरा, करुणा का संदेश कौन देता है? करुणा का संदेश तारे देते हैं। तीसरा, प्रसन्नता पूर्वक आत्म बलिदान का प्रेरक कौन है? प्रसन्नता पूर्वक आत्म बलिदान का प्रेरक फूल हैं। नंबर चार, निरंतर प्रयत्न की प्रेरणा कौन प्रदान करता है? निरंतर प्रयत्न करने की प्रेरणा लहरें प्रदान करते हैं। हिलोरें कांप कांप कर क्यों रह जाती हैं? किनारा न मिलने के कारण हिलोरें कांप कांप कर रह जाती हैं। लिखित। लिखित का पहला प्रश्न है, पक्षी संध्या के समय क्या गाता है? पक्षी संध्या के समय सुखमय और कल्याणकारी गीत गाता है। हंसमुख प्रसून का अर्थ बताएं। हंसमुख प्रसून का अर्थ है हंसते हुए फूल या प्रसन्नता के प्रतीक फूल। नंबर तीन, लहरें परेशान क्यों हैं? लहरें किनारा देखना चाहती हैं लेकिन देख नहीं पाती, अतः परेशान हो जाती हैं। बुलबुला शांत क्यों हो जाता है? बुलबुला शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कभी ना कभी उसे पानी में मिलना ही है। प्रश्न दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। इसका पहला प्रश्न, फूलों से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, फूलों से हमें दूसरों को प्रसन्न रखना, परोपकार करते हुए अपने जीवन को जीना और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने का संदेश मिलता है। दूसरा प्रश्न, लहरें मनुष्य को क्या प्रेरणा देती हैं? लहरें मनुष्य को हार ना मानते हुए लगातार अपने काम को करते रहने की प्रेरणा देती हैं और साथ ही साथ निरंतर आगे बढ़ने को कहती हैं। कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, प्रकृति में सुंदरता ही नहीं वह प्रकृति के द्वारा मानव जीवन के विभिन्न रूपों के विषय में बतलाती है। जैसे तारे दूसरों के प्रति करुणा की भावना रखना सिखलाते हैं, लहरें निरंतर आगे बढ़ना सिखलाती हैं, बुलबुले विलीन होकर संतुष्ट रहना सिखलाती हैं। आगे है व्याकरण से शब्द परिवार। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों का शब्द परिवार बनाएं। देश, देशीय, विदेश, देशवासी। दिन, दैनिक, दिन भर, प्रतिदिन। यश, यशस्वी, यशगान, अपयश। समय, सामयिक, समयानुसार, असमय। प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। खग, पक्षी, पखेरु, नभचर। तट, किनारा, कूल, तीर, छोर। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून। जग, संसार, जगत, दुनिया। प्रश्न तीन, अब इन पुनरुक्त शब्दों के वाक्य बनाएं।
पुनरुक्त का अर्थ है दोहराना, ऐसे शब्द जो दो बार लिखे गए हैं, जैसे उठ उठ। वाक्य होगा, लहरें उठ उठ कर कहती हैं हमें आगे बढ़ना है। आगे बह बह, नदियां बह बह कर आगे बढ़ना सिखलाती हैं। कंप कंप, ध्रुव प्रदेश में लोग कंप कंप कर जीवन व्यतीत करते हैं। प्रश्न चार, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को गद्य में लिखें, अर्थात इनको सरल वाक्य में लिखना है। गाता खग प्रातः उठकर, सुबह पक्षी उठकर गाता है। दूसरा, कहती अपलक तारावली, बिना पलके झपकाए निरंतर हमें देखते हुए तारे कहते हैं। नंबर तीन, मंगल मधुमय जग जीवन, हमारा जीवन मंगलमय हो और सुख से बीते। नंबर चार, बुदबुद विलीन हो चुपके, बुलबुले पानी में चुपके से मिल जाते हैं। नंबर पाँच, नीचे दिए गए शब्दों में बिंदु अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। शब्द है उमंग, जिसमें म के ऊपर बिंदु, अगला शब्द का के ऊपर चंद्र बिंदु, अगला शब्द आ के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर है आगन, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, सु के ऊपर बिंदु, स के ऊपर बिंदु, हो गया संध्या, म के ऊपर बिंदु लगाकर शब्द बना मंगल, आ के ऊपर चंद्रबिंदु शब्द बना आंसू, ह के ऊपर चंद्रबिंदु शब्द बना हंसमुख। वर्ण विच्छेद करें, संध्या, स हलंत, अ जोड़, न हलंत जोड़, ध हलंत जोड़, य हलंत जोड़, आ। दूसरा, आँख, आ ऊपर चंद्रबिंदु, ख हलंत जोड़, अ। तीसरा, आंसू, आ चंद्रबिंदु जोड़, स हलंत जोड़, दीर्घ उ। गृह कार्य होगा, मौखिक एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखना, साथ ही अभ्यास के लिए वर्ण विन्यास के कुछ काम दिए जा रहे हैं जिसे अपनी कॉपी पर करना है। शब्द है सौरभ, तारावली, बुदबुद, विलीन। बच्चों, इस तरह पहला पाठ के प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं।